इस कड़ाके की ठंड में हर कोई सोचता है कि चाय के साथ हमें कुछ तीखा चटपटा खाने को मिल जाए तो क्या बात है। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ कुछ इसी तरह का है, जो बनाना बहुत ही आसान है और चाय के साथ तो आप सबको पसंद आने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। कृष्णा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड रोल, तो फिर चलते हैं बनाने। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 4 आलू को बॉयल करके और इसे कट कर लिया है। इसे हम मैश कर लेंगे और ये ब्रेड है तो हम इसका रोल बनाएंगे। तो पहले हम आलू को मैश कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे कुछ मसाले। तो ये 2 हरी मिर्च मैंने बारीक चॉप करके लिया है। ये मैंने 1 कटोरी मटर लिया है। अभी तो ताज़ा मटर आ रहा है तो इसे मैंने गर्म पानी में डाल दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, जीरा पाउडर भुना हुआ है। 1 टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर। आप चाहें तो जो आम का अचार होता है उसका मसाला भी इसमें आप ले सकते हैं। थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स। अब यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। अब हम बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इतनी जल्दी बनने वाली ये नाश्ता है। तो देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसे साइड में रखते हैं और अब हम ब्रेड का रोल बनाएंगे। तो उसके लिए हमें एक बाउल्स में पानी लेना है। तो देखिए, मैंने पानी यहाँ पे ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक ब्रेड उठाएंगे और पानी में हम डिप करेंगे। हमें ज़्यादा डिप नहीं करना है, बस पानी में डाल करके और निकाल लेना है और इस तरह से हथेलियों पे रख करके और प्रेस करके इसके सारे पानी को निकाल लेना है। देखिए इस तरह से। और अभी यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने स्टफिंग बनाई है उसे हम बीच में रखेंगे, सेंटर में। तो आपको जितनी क्वांटिटी भरना है उतना लीजिए। तो देखिए, मैंने भर दिया और अब इसको हम इस तरह से एक शेप देंगे और हल्के हाथों से इसको दबाते हुए इस तरह से रोल बना लेंगे। देखिए, अगर ये साइड का निकलता है, जो ब्राउन वाला होता है ना ब्रेड का, तो हम उसे निकाल देंगे। तो देखिए, एक ब्रेड रोल हमारा रेडी है। तो हम इसे एक प्लेट में रख देंगे और दूसरा भी इसी तरह से बना लेंगे। ब्रेड को हमें ज़्यादा पानी में डिप नहीं करना है, ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, बस उसको पानी में डाल करके और निकाल लेना है और इस तरह से हथेलियों पे रख के प्रेस करके सारे पानी को उसके निकाल लेना है और इस तरह से हम भर लेंगे और उसका रोल बना लेंगे। बहुत ही इजली ये बन जाता है, देखिए। तो इसी तरह से हम सारे बना लेंगे, देखिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारा रेडी कर लिया है इस तरह से बना करके। और अब चलते हैं गैस के पास। तो यहाँ पे देखिए, मैंने गैस पे पहले से ही कढ़ाई रख दी थी और उसमें तेल डाल के गरम कर लिया है। तो तेल अच्छे से गरम हो गया है। तेल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होनी चाहिए। तो हम एक एक करके इसमें डाल देंगे। तो देखिए, हमने सारा डाल दिया है। तो अब इसको हम 1 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, चलाएंगे नहीं, जब नीचे से बिल्कुल
क्रंची हो जाएगा तब हम इसको चलाएंगे। तो देखिए एक चम्मच की सहायता से हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। अगर हम करछी या स्पैचुला से हम चलाते हैं ना तो वो टूटने का बिखरने का डर रहता है, तो एक चम्मच की सहायता से इस तरह से हम पलट लेंगे। एक बार ये इस चला करके इसको पलट करके कर देंगे ना तो नहीं टूटेगा। तो देखिए तो इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये क्रंची नहीं हो जाता ऊपर से। तो देखिए ये गोल्डन हो गया है। इसको फ्राई करते समय हम फ्लेम को हमेशा हाई रखेंगे। तो देखिए अच्छे से ये क्रंची हो गया है ऊपर से, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो मैं पास से दिखाती हूँ, देखिए कितनी क्रंची है ये। तो एक प्लेट में हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम दूसरा भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हम सभी को फ्राई कर लेंगे, उसके बाद चलते हैं सर्व करने। तो देखिए मैंने सभी को फ्राई कर लिया है और इस तरह से हम सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसे ग्रीन चटनी से सर्व करें, रेड चटनी से, या आप टोमेटो केचप से। इसमें वैसे किसी भी चटनी का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें इतनी सारी चटपटी चीज़ें डाली हैं, चाट मसाला, अमचूर का पाउडर, तो उससे इतनी टेस्टी ये बना है। तो लीजिए ब्रेड रोल हमारा रेडी है खाने के लिए। देखिए कितनी क्रंची बनी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये सबको पसंद आएगा। और ये इतनी जल्दी और इतनी आसानी से बन जाता है। सर्दियों के टाइम पे तो वैसे भी हरी मटर या कोई भी इसमें वेजिटेबल भी डाल सकते हैं। तो आप लोग इस सर्दी में ज़रूर बना करके ट्राई कीजिए। ये बच्चों से लेकर के बड़ों तक को पसंद आने वाली है। और इसकी क्रंची पर मैं सुनाती हूँ, तो देखिए इसे मैं कट करके भी दिखाती हूँ। अंदर से जो स्टफिंग हमने भरी है वो इतनी अच्छी से वो भी कुक हो गया है और इतनी अमेजिंग, इतनी टेस्टी है। तो देखिए मैंने आप लोगों को इजी तरीके से बताया है जो मतलब हर कोई बना सकता है सिर्फ घर के कुछ सामानों से। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं लगेगा और ना ज़्यादा समय लगेगा। अगर आपके घर गेस्ट आ जाते हैं तो आप इस तरह से बना करके फ्रिज में रख दीजिए और जब आएँ तो आप इसको फ्राई करके खिला सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी ट्राई करने के बाद आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं।